हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपको हॉर्टिकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक हो या आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैटेट, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि हम अपने चैनल में इसी तरह के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमने आपको कल बता दिया था कि फलों का खाने योग्य भाग क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे फल सब्जियों का रंग और कड़वापन, विषैला पदार्थ किसके कारण होता है, क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आंवले में कसेलेपन किसके कारण होता है। तो टेनिन के कारण किसके कारण होता है, टेनिन के कारण होता है आंवले का कसेलापन, टेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल में कड़वाहट, जब आप बेल खाते हैं तो हल्का कड़वाहट होता है, तो किसके कारण होता है, मार्मेलोसिन के कारण क्या होता है, बेल में कड़वाहट होता है। अगला क्वेश्चन से आपका, बादाम में कड़वाहट, जब आप बादाम खाते हैं तो हल्का सा कड़वाहट होता है, बादाम में कड़वाहट किसके कारण होता है, बादाम में कड़वाहट आपका होता है एमानाइलेशन के कारण होता है, बादाम में क्या होता है आपका कड़वाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पपीते में पीला रंग, जो पपीता होता है तो पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है, केरिका जेंथिन के कारण, जो पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, केरिका जेंथिन के कारण। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है, तो केरिका जेंथिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली का तीखापन, जब आप मूली खाते हैं तो मूली का तीखापन किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के कारण, आइसोसाइनेट के कारण मूली का तीखापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिर्च में चटपटाहट किसके कारण होता है, केपिसिन के कारण होता है, मिर्च में चटपटाहट, जब आप मिर्च खाते हैं ना तो आपको चटपटी मिर्च लगती है, तीखापन होता है, तो किसके कारण होता है, केपिसिन के कारण, केपिसिन के कारण क्या होता है, मिर्च में चटपटाहट होता है। तो ये कुछ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहे जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे ही हम कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।